बिजली गिरने के बाद टूटकर फिर से जुड़ जाता है शिवलिंग। 12 साल में एक बार दिखता है ये नज़ारा। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के सबसे पवित्र स्थानों में से एक बिजली महादेव मंदिर है, जिसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। खूबसूरत पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर पार्वती और ब्यास नदियों के संगम के करीब है, जो भगवान शिव को समर्पित है। 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का इतिहास काफी रोचक है। जानिए महादेव मंदिर के बारे में। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण कुलंत नामक राक्षस को मारने के बाद हुआ था। कहते हैं कि दानव कुलंत व्यास नदी के प्रवाह को रोककर घाटी को जलमग्न करना चाहता था। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसने एक अजगर का रूप धारण किया। वह जमीन पर मौजूद हर जीवन को पानी में डुबोकर मारना चाहता था। ऐसे में भगवान शिव को उसके उपक्रम के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वे राक्षस का अंत करने के लिए आए। भगवान शिव ने राक्षस को पीछे मुड़कर देखने के लिए कहा, और फिर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पूंछ में आग लग गई। कहा जाता है कि जिस पर्वत पर बिजली महादेव मंदिर स्थित है, वह मृत दानव के शरीर से बना था। उसकी मृत्यु के बाद उसका शरीर आसपास की भूमि को ढक गया और एक पहाड़ का आकार ले लिया। कैसे पड़ा बिजली महादेव मंदिर का नाम? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिजली महादेव मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि कुलंत को हराने के बाद वह भगवान इंद्र के पास गए और उन्होंने कहा कि वे हर 12 साल में एक पहाड़ पर बिजली के झटके मारे। लोगों की माने तो महादेव नहीं चाहते थे कि उनके भक्तों को बिजली से नुकसान हो, इसलिए हर 12 साल में मंदिर पर गिरने वाली बिजली सीधे शिवलिंग पर गिरती है। भगवान शिव स्वयं यह प्रहार सह लेते हैं और इस मंदिर का नाम बिजली महादेव पड़ गया। टूट कर कैसे जुड़ जाता है शिवलिंग, आइए इसके बारे में भी हम जानते हैं। हर बार जब बिजली महादेव शिवलिंग पर बिजली गिरती है तो वह शिवलिंग टूट कर चकनाचूर हो जाती है। माना जाता है कि मंदिर के पुजारी हर टुकड़े को इकट्ठा करते हैं और फिर नमक मक्खन और सत्तू के साथ शिवलिंग को वापस एक साथ रखते हैं। ऐसा करने पर शिवलिंग पहले जैसा दिखने लगता है। कैसे पहुँचे बिजली महादेव मंदिर के पास? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिजली महादेव मंदिर कुल्लू से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको एक ट्रैक को पूरा करना होगा। ट्रैकिंग के शौकीन को यह अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।